रिलायंस कंपनी जल्दी ही अपने उपभोक्ताओं को 4G सेवा का तोहफा देने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो देश भर में 4G ब्रॉडबैंड लॉन्च करेगी। कंपनी साल 2015 तक 5,000 शहरों 2.5 लाख गांवों में 4G फोर्थ जनरेशन जैसी सेवा देगी। इस सेवा के लिए रिलायंस जियो में 70,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब रिलायंस भी जल्दी ही 4G सेवा को लॉन्च करेगा। रिलायंस से जुड़े ग्राहकों को यह तोहफा इसी साल मिल जाएगा। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो देश भर में 4G ब्रॉडबैंड लॉन्च करेगी, जिसमें रिलायंस जियो में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जहां इससे मार्केटिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं नौकरियों के भी ढेरों अवसर पैदा होंगे। 4G यानी फोर्थ जेनरेशन तकनीक क्षेत्र में वो नया मुकाम जहां आप दूर बैठे अपने साथी से पल भर में रूबरू हो सकेंगे। 4G की रफ्तार से भागता इंटरनेट पल भर में आपकी समस्याओं को हल करेगा। जहां इससे मार्केट सेक्टर को फायदा पहुंचेगा तो वहीं रिलायंस के कारोबार में भी इजाफा होगा। ये सेवा 2015 से रिलायंस अपने ग्राहकों को देना शुरू करेगी। शुरुआत में रिलायंस जियो 5,000 शहरों 2.5 लाख गांवों में 4G सेवा देगी। कंपनी की नई योजना उसे नया मुकाम दिलवाएगी। इस सेवा के बाद रिलायंस जियो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कारोबारी में से एक होगा। माना जा रहा है कि रिलायंस कम पैसे में सेवा को अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बाजार में एक बार फिर रिलायंस दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ देगी। कंपनी की माने तो रिलायंस जियो की ग्रोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगले 3 साल में फॉर्च्यून 50 की लिस्ट में लाएगी। बहरहाल देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान निभाती आई रिलायंस कंपनी इस सेवा के बाद सफलता के कितने झंडे गाड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।